राजस्थान के कवाई में शिक्षित बेरोजगार युवा मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा गत 26 अप्रैल को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर अडानी प्लांट प्रबंधक के द्वारा किसी भी मांग को नहीं मानने से गुस्साए समिति के कार्यकर्ता कस्बे सहित क्षेत्र में विकास एवं युवाओं को रोजगार की मांग को लेकर बुधवार को बारा रोड पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में एकत्रित हुए। यहाँ से शिक्षित बेरोजगार युवा मजदूर किसान समिति के दर्जनों कार्यकर्ता रैली के रूप में अडानी पावर प्लांट पहुंचे, जहां मैनेजमेंट अधिकारियों को 11 सूत्रीय मांगों को नहीं मानने का विरोध किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कवाई कस्बे में संचालित अडानी पावर प्लांट में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार क्षेत्र के विकास की मांग को लेकर कस्बे सहित आसपास क्षेत्र के दर्जनों की संख्या में युवा बुधवार सुबह 11 बजे विद्यालय के खेल मैदान में एकत्रित हुए, जहाँ से दोपहर 2 बजे मोटरसाइकिल की रैली के रूप में डीजे पर नारेबाजी करते हुए कस्बे में रैली निकालकर अडानी पावर प्लांट पहुंचे। यहाँ करीब 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर पावर प्लांट के HR हेड अमित कुमार सिंह, लाइजनिंग अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौर से गत 26 अप्रैल को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर दिए गए ज्ञापन पर चर्चा की गई। मान रहे हो इसका एक कारण अभी बताऊं मैं आपको, सारा क्लियर कर दिया माय डियर, एक ही बात माय डियर माय डियर माय डियर। आप बोलो क्या कारण है, क्या कारण है आप? एक बीजेपी का नेता तो पानी भेजता है इस अडानी में, ठीक है, और एक कांग्रेस का नेता पानी भेजता है इस अडानी में, और एक नेता गिट्टी भेजता है, और एक नेता टट्टी पिकवाता है, और कुछ नहीं है। हम रोते रहेंगे, नहीं पक्की बात है, ये पक्की बात है। विधायक पानी बेच रहा है यहाँ, विधायक को चाहिए यहाँ के विधायक को कि मेरे क्षेत्र में रोजगार मिले, मेरे क्षेत्र में CSR फंड लगे, मेरे क्षेत्र के जो कवाई ग्रामीण का जो भव्य ग्राउंड है उसमें स्टेडियम बने। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।